वेलकम टू जो ड्रीम बाय जोन पाक पतन ओप्पो का मोबाइल है ओप्पो S50। इसका फाल ये है कि इसका रिंगर काम नहीं कर रहा। ये पहले भी किसी ने चेक किया हुआ, आज इंशाल्लाह इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी GR वैल्यू लेते हैं। दोनों पॉइंट्स की GR वैल्यू लेते हैं कि कनेक्टेड हैं या नहीं, में वैल्यू आ रही है या नहीं। एक में तो आ रही है, ये देखो दूसरे में नहीं आ रही, एक साइड पे आ रही है दूसरे पे नहीं आ रही। जो एक पत्ते के ज़रिए ऊपर से बोर्ड से कनेक्टेड है। चलो इसकी बैटरी निकालते हैं बाहर। इस तरह का कोई भी फॉल्ट आए तो इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना है। डायरेक्ट किसी भी आईसी पे आपने हीट नहीं करना, ना ही इसको निकालना है। इधर आज टेस्ट करते हैं, अच्छे से देख लेते हैं कहीं से कोई जंग वगैरह लगा हो या कुछ हो। चलें बोर्नियो में चलते हैं, इसको देखते हैं। ये इसका मदरबोर्ड आ गया S50 का। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ये इसके रिंगर पॉइंट हैं, ये दोनों, एक दो ये दो ये, ऊपर वाली साइड से पहला दूसरा और नीचे वाली साइड से ये पहला दूसरा, ये रिंगर के पॉइंट हैं। ये इधर ये दो पॉइंट्स दिए हुए, इनसे कनेक्टेड होके आगे कैप के ज़रिए साउंड आईसी में चले जाते हैं। इस तरह ऊपर ये एयर पीस की आवाज़ है, ये उसकी लाइनें जो कि इधर से होती हुई आगे गया। आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें इस जगह पे आ जाती है। ये इसके माइक पॉइंट, ये दोनों चौथा और छिया यहाँ से कनेक्टेड होके आगे ये पावर आईसी में चले जाते हैं। ये सारी इसकी डायग्राम है, उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। चलते हैं हम अपने बोर्ड पर और इसको चेक करेंगे। इधर से हम इसकी GR वैल्यू लेते हैं, इस पॉइंट से और ऊपर वाले पॉइंट से, जैसा कि हमने बोर्नियो में देखा था। एक साइड पे GR बिल्कुल ओके है, ये दूसरी साइड पे, ये नहीं, इधर बिल्कुल ओके GR वैल्यू है। ये देखो इधर भी आ रही है और नीचे भी आ रही थी। ये देखें इधर बिल्कुल ओके कनेक्टेड है, इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है, दोनों साइड पे, यानी बोर्ड की तरफ से GR वैल्यू ओके है लेकिन आगे नहीं जा रही। चलिए इसको बाहर निकालते हैं पत्ते को और देखते हैं किधर फॉल्ट है, क्योंकि GR वैल्यू आएगी तो आगे चेक होगा। इसमें आ रही है, इसमें नहीं आ रही थी, तो इधर से देखें तो ये पत्ता डैमेज है थोड़ा सा, ये यहाँ से डैमेज है। हम आगे से चेक करेंगे इसकी कि आगे हमारे कनेक्टर से बीप आ रही है इसकी कि नहीं। अब इधर से हम चेक करते हैं इसको, ये देखो इधर बीप आ रही है, मतलब ये आगे से कनेक्टेड है, इधर से
लेकिन ये डैमेज होने की वजह से आगे पॉइंट पर इसकी वैल्यू नहीं जा रही थी। इधर से इधर हम एक जंपर लगा देते हैं और फिर चेक करते हैं। चलो मैं जल्दी से इसको जंपर लगाता हूँ। इस तरह कोई भी फॉल्ट आए, चाहे माइक हो, एयर हो, रिंगर हो, कुछ भी हो, आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह चेक करना है, उसके बाद रिपेयर करना है। ये ना कि फॉल्ट कहीं और हो और आप साउंड आई सी या कोई और आई सी निकाल लें। ये जंपर लगा दिया मैंने, अब इसको लगा के इसकी जीआर वैल्यू चेक करते हैं। बोर्नियो की कोई भी डायग्राम चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल पर दिया हुआ है। चलो अब जीआर रीडिंग चेक करते हैं इसकी। ये देखो बिल्कुल ओके आ गई रीडिंग इसकी। दूसरे पॉइंट पे बिल्कुल ओके है। ये देखें अभी हम उसका रिंगर चला के चेक करेंगे। उसको बैटरी लगा के ऑन कर लेते हैं, उतनी देर में ये स्पीकर फिट हो जाएगा। इधर बैठ गया। इधर स्पीकर को बिठा लेते हैं। चलिए मोबाइल को चेक करते हैं कोई ट्यून वगैरह, रिंग ट्यून वगैरह लगा के। इधर साउंड रिंग ट्यून, ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आवाज़ आ गई, क्योंकि पहले रिंगर की आवाज़ नहीं आ रही थी पॉइंट मिस होने की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके आवाज़ आ गई। ये देखें ये जंपर लगाया था मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।